श्री विनय बिहारी, माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, जिला पदाधिकारी चंपारण से विभागीय ज्ञापन संख्या 501/8/2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन अप्राप्त है। नंबर 2 अस्वीकारात्मक है। नंबर 3 माइक पर बोले, माइक पर। नंबर 3 पश्चिमी चंपारण जिला के प्रखंड जोगापट्टी स्थित मच्छेंद्रनाथ आश्रम पर्यटन रोड मैप प्रारूप की सूची में शामिल है। जिला पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु का आश्रम रहा है और मैं अपने पूरक सवाल के उत्तर में यही जानना चाहता हूं कि समय सीमा बता, निधि की उपलब्धता 2 साल पहले भी प्रश्न आया था, ऐसे ही चलता रहेगा तो नहीं चलेगा। हमें समय सीमा बताएं कि उस तालाब का सौंदर्यीकरण कब पर्यटन विभाग करेगी। समय सीमा क्या प्राप्त हो जाता है तो हम समय सीमा बता दें। चलिए, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री जितेंद्र कुमार राय, श्री देवेश कांत सिंह, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन। दिनांक अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी सिवान से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गंडक नदी पर निर्मित सारण तटबंध टूटने से सिवान जिला के लकड़ी नवीगंज में 8 पंचायत पूर्ण रूपेण तथा 3 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पंचायत अनुसरण समिति अनुमोदन के पश्चात बाढ़ में प्रभावित कुल 21,241 परिवार के मुखिया के खाते में आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अनुग्रहित राहत GR का भुगतान किया जा चुका है। अनुग्रहित राहत GR भुगतान हेतु कोई भी योग्य परिवार शेष नहीं है। माननीय मंत्री, यह सूचना आपको गलत दी गई है कि सभी पेमेंट कर दिए गए। पहला चीज तो सारे पेमेंट नहीं किए गए हैं और दूसरा कुछ लोगों से रिकवरी की गई है और उसमें मुखिया के ऊपर FIR करने का आदेश जिले से जा चुका है और CO निष्क्रिय है, CO कुछ नहीं कर रहा है, बाकी पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे पास प्राप्त सूचना है कि 8 पंचायत पूर्ण रूपेण, 3 पंचायत आंशिक रूपेण, 21,241 परिवारों को मुखिया खाता आपदा संपूर्ति पोर्टल के माध्यम से अनुग्रहित राशि GR का भुगतान किया जा रहा है। अगर इसमें माननीय सदस्य को कोई दिक्कत है या किसी तरह का कोई संभावना है उसे लिखित भेज देंगे, उसको हम जाँच करवा देंगे। ठीक जी, धन्यवाद। श्री शाहनवाज, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। स्वीकारात्मक है। उपस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत कर्मियों के वेतन आदि भुगतान करने के लिए द्वितीय अनुपूरक में 99,58,00,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। द्वितीय अनुपूरक में प्राप्त राशि से अररिया जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लंबित वेतन आदि का भुगतान करने हेतु ₹2,26,50,000 रुपया आवंटन दी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में भुगतान कर दिया जाएगा। धन्यवाद। श्रीकांत यादव, छोटे लाल राय पूछेंगे, नहीं है। श्री अब्दुल रहमान, श्री अब्दुल रहमान, श्रीमती बीमा भारती, श्री सुधाकर सिंह, श्री संजय कुमार तिवारी, श्री विनय बिहारी, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। खंड 1 और 2 वस्तु स्थिति यह है कि योगापट्टी प्रखंड के बासोपट्टी स्वास्थ्य उपकेंद्र किराए के भवन में संचालित है। योगापट्टी एवं लौरिया प्रखंड अंतर्गत अन्य स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष में
भूमि एवं निधि उपलब्धता के अनुरूप इन भवनों का निर्माण किया जाएगा? हमारे पास भूमि उपलब्ध है, अगर मैं उसकी रिपोर्ट दिलवा दूं तो माननीय मंत्री जी कब तक वहां भवन बनवा देंगे? हमारे के मकान में क्यों चलेगा स्वास्थ्य उपकर? अगले वित्तीय वर्ष में बनवा दिया जाएगा। ठीक, आपको धन्यवाद है। श्रीमती वीना सिंह, श्री मिथिलेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2015 में भूकंप से क्षतिग्रस्त मकान क्षतिपूर्ति के लिए प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रभावित परिवार को चेक संख्या 40-25-45 दिनांक 9/3/2021 द्वारा 95,100 का भुगतान कर दिया गया है। सीतामढ़ी जिला में भूकंप से क्षतिग्रस्त मकान के क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। जिलाधिकारी का पत्र है, वह पत्र मैं माननीय मंत्री जी से मिलकर दे दूंगा कि अभी तक भुगतान नहीं हुए हैं। 9/3 को भुगतान हुआ है, 9/3 को हुआ है, मतलब इस 9/3 को ना? ओ अच्छा अच्छा, तब तक नहीं हुआ था। चेक नंबर भी है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद, आभार। श्री पवन कुमार जायसवाल, उत्तर मुद्रित है, पूरा पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री जी के निश्चय योजना से जुड़ा हुआ है। जो जवाब आया है वो जवाब असंतोषजनक है। हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहेंगे, मेरा प्रश्न है कि वहाँ के DRCC में स्वीकृत पद के हिसाब से वहाँ पद खाली है। माननीय मंत्री जी का जवाब है कि वहाँ जितना आवश्यकता है उतना दिया गया है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि पूर्वी चंपारण में स्वीकृत पद कितना है, कार्यरत कितना है और वहाँ रिक्ति क्या है, और रिक्ति है तो उसको कब तक भरना चाहते हैं? माननीय मंत्री। मैंने कहा महोदय, उत्तर में साफ है, आवश्यकता अनुसार जो पद है वो अवस्थित है। अब संख्या बढ़ाने की आवश्यकता अगर होगी तब जब काम बढ़ेगा, स्पष्ट उत्तर लिखा हुआ है, इसलिए अभी फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य अगर देख गए हैं कि और ज्यादा इन कारणों से होगा तो हम उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसी भी संस्था में स्वीकृत पद होता है, स्वीकृत पद के हिसाब से कार्यरत होता है, रिक्ति होता है। हम माननीय मंत्री से ये जानना चाहते हैं कि पूर्वी चंपारण DRCC में स्वीकृत पद कितना है, कार्यरत कितना है, रिक्ति कितना है, बच गया कि कार्य बोझ वहां है कि नहीं है। मोतिहारी DM ने इसमें है कि 30 दिन के अंदर में छात्र छात्राओं के आवेदन का डिस्पोजल हो जाना है, जांच करके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन से। मोतिहारी DM ने अपने पत्रांक 57/8/3/2021 के द्वारा गिरिवर दयाल सिंह विशेष सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखे हैं कि TPBA द्वारा जांच प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराने से छात्र छात्राओं को ऋण देने में परेशानी हो रही है और जिला का रैंकिंग बहुत नीचे स्तर पर जा रहा है। अगर कार्य बोझ नहीं है तो फिर ये जांच लंबित क्यों हो रहा है? जिलाधिकारी को पत्र लिखना पड़ा और 30 दिन के अंदर में जांच होना है, शिक्षा विभाग पेंडिंग रखा है। महोदय, 180 दिन से 44 आवेदन 180 दिन से ज्यादा से लंबित है, 60 दिन से ज्यादा से 206 आवेदन लंबित है और 30 दिन से ज्यादा से 236 आवेदन लंबित है। अध्यक्ष महोदय, 30 दिन के अंदर में जब दे देना है, जमा कर देना है रिपोर्ट जांच करके, इतने दिन से लंबित रखने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके विरुद्ध माननीय मंत्री जी कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। महोदय, जो उत्तर आया उसमें स्पष्ट है कि आवश्यकता अनुसार संख्या है। जहां तक डिले की बात कर रहे हैं तो बीच में तो कोरोना पीरियड में थोड़ा परेशानी हुआ है, उसको देखवा लेंगे और सबको भुगतान करवा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ही है कि वहां इतना आवेदन लंबित है, प्रश्न में ही मेरा था कि इतना आवेदन लंबित है, आवेदन लंबित क्यों है? मेरा ये कहना है कि जब 30 दिन में माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम उसको देखवा लेते हैं, माननीय मंत्री जी जांच करवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जांच तो होता रहेगा लेकिन ठोस प्रमाण, जांच होगा तो कार्रवाई भी होगी। अध्यक्ष महोदय, ठोस प्रमाण के साथ अगर हम लेके आते हैं सदन में तो बहुत विश्वास के साथ लाते हैं। मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी संबंधित दोषी थर्ड पार्टी एजेंसी अगर करवा, प्रश्न देखा जाए, पढ़ते नहीं है लोग। इनका प्रश्न है कि 465 जो है आवेदन लंबित है, उत्तर में लिखा हुआ है कि 416 आवेदन प्रक्रियाधीन है, शिक्षा विभाग से उसका कंफर्मेशन करके जल्दी उसको भुगतान किया जाएगा। सेकंड पार्ट देखा जाए, स्पष्ट लिखा हुआ है,
अध्यक्ष महोदय लंबित है, जिम्मेवारी किसकी? सुनिए, मंत्री बोल रहे तो सुनिए। आप सूची दे दीजिए कि इतने दिनों से लंबित है और वहाँ जो है स्टाफ की कमी के कारण गड़बड़ी हो रही है, हम इसको लिखवा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सूची हम देंगे तो विभाग, अध्यक्ष महोदय सूची हम देंगे तो विभाग कौन काम करेगा? सूची हम देंगे, डीएम ने तो सूची लगा के शिक्षा विभाग को भेजा है। अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि थर्ड पार्टी एजेंसी को सरकार से पैसे का भुगतान होता है, एजेंसी इसी वजह से पैसा लेता है कि ससमय जांच करे। 30 दिन में जांच नहीं किया और 180 दिन से ज्यादा हो गया तो उसके विरुद्ध कौन सी कार्रवाई होगी? अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी को डिटेल में दे दीजिए, वो जचवा लेंगे। क्या कब तक कार्रवाई? बढ़िया श्री चंद्रशेखर नहीं है, श्री रणविजय साहू, अचमित ऋषिदेव, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। स्थिति यह है कि रानीगंज प्रखंड स्थित काला बलुआ में स्थित प्रसव गृह का अधूरा निर्माण कार्य आगामी वित्तीय वर्ष में राशि उपलब्धता के अनुरूप की जाएगी। स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 770 दिनांक 10/3/2021 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काला बलुआ के क्षतिग्रस्त भवन का जांच दल गठित कर जांच हेतु भवन निर्माण विभाग से अनुरोध किया गया है। नियमानुसार संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। पुनरीक्षित प्राकलन प्राप्त होने के उपरांत निधि उपलब्धता के अनुरूप भवन निर्माण किया जाएगा। श्री अख्तरुल ईमान, माननीय मंत्री ने उत्तर संलग्न है सर मैं पूरा पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि दो की जगह पर एक ही महिला डॉक्टर वहां पर हैं और वो, मैं महिला डॉक्टर के बारे में सूचना देना चाहता हूं महोदय कि वो 2 से 3 दिन आती हैं और वहां पर वेलनेस सेंटर हमारे 6-6 हैं, बेलगच्छी में है, मछट्टा में है, बागडर में है, हफनिया में है, तरुणा और रुनकी में है और उसमें कहीं भी महिला डॉक्टर नहीं जा पाती है। तो सर जनसंख्या अधिक है, 25 पंचायतों पर आधारित है, इसलिए माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टरों की कमी है राज्य में लेकिन पूर्णिया में 213 डॉक्टर हैं, उसके आबादी के अनुपात में अमोर में कम से कम हमारे 30 डॉक्टर अब भी दिए जा सकते हैं। तो महोदय आप क्या बाली जब करेंगे तत्काल आप पूर्णिया में सीएस को निर्देश करेंगे कि हमारे यहां अतिरिक्त डॉक्टर दिए जाए। पूर्णिया में तो अवेलेबल है सर, दूसरी जगह 10-10, 12-12, 15-15 है और वो सुविधा के अनुसार सब लोग पूर्णिया में रहना चाहते हैं, अमोर में कृपया आप ऐसा करना चाहेंगे? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, मैं उसको दिखवा लेता हूं, दिखवा लेते हैं। श्री आलोक कुमार मेहता, श्री आलोक कुमार मेहता नहीं है, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्रीमती प्रतिमा कुमारी, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, श्री देवेश कांत सिंह। माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग, समय चाहिए। श्री जितेंद्र कुमार, श्री जितेंद्र कुमार, श्री चंद्रशेखर, श्री चंद्रशेखर, श्रीमती वीना सिंह, श्रीमती वीना सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा, श्री लखेंद्र कुमार रोशन। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग, महोदय वस्तु स्थिति यह है कि पंचायत के स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होता है। प्रखंड पातेपुर के बहुआरा पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कर आमजनों को स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है। महोदय क्योंकि बहुआरा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है वह पहले से 2014 से ही वहां का लोगों का
मांग जो है जायज रहा है, और वहां से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पातेपुर है उसकी दूरी काफी है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, जो वहां आप गए भी हैं, पातेपुर में गए भी हैं, और लोगों से आश्वासन भी आपने दिया है, एक निवेदन है जो वहां 30 बेड का स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराई जाए। ठीक। श्री सुदामा प्रसाद, श्री सुदामा प्रसाद, श्री सुधाकर सिंह, श्री सुधाकर सिंह, श्री अशोक कुमार, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। वस्तु स्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर तथा गुदार घाट में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि स्वास्थ्य उपकेंद्र अवस्थित है। वर्तमान में दोनों स्वास्थ्य उपकेंद्र पंचायत भवन में संचालित है। आगामी वित्तीय वर्ष में राशि एवं भूमि की उपलब्धता के अनुरूप स्वास्थ्य उपकेंद्र के भवन का जीर्णोद्धार या निर्माण किया जाएगा। ठीक। श्री पवन कुमार यादव, श्री पवन कुमार यादव, श्री मोहम्मद कामरान, श्री मोहम्मद कामरान, श्री निरंजन कुमार मेहता, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग। खंड एक स्वीकारात्मक है, खंड दो स्वीकारात्मक है। उक्त स्थल पर स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर को उक्त स्थल से हटाकर पंचायत सरकार भवन के नजदीक कर लिया जाएगा, जिसको पूरा करने का लक्ष्य अप्रैल 21 है। हार्दिक आभार प्रकट करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके तरफ से। ठीक। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार रत्नेश सदा, श्री रत्नेश सदा, श्री अवधेश सिंह, श्री अवधेश सिंह, श्रीमती रश्मि वर्मा, मंत्री ऊर्जा विभाग। खंड एक पश्चिम आंशिक स्वीकार स्वीकारात्मक पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अनुमंडल मुख्यालय की विद्युत आपूर्ति विद्युत शक्ति उपकेंद्र नरकटियागंज से होती है। इस विद्युत शक्ति उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति रामनगर स्थित ग्रिड उपकेंद्र से होती है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु रामनगर ग्रिड उपकेंद्र को बेतिया ग्रिड से डबल सर्किट लाइन के द्वारा जोड़कर विद्युत आपूर्ति चालू कर ली गई है। इसके अतिरिक्त रामनगर ग्रिड उपकेंद्र में 20 MVA के ट्रांसफार्मर को बदलकर 50 MVA ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिसके फलस्वरूप बिजली आपूर्ति की क्षमता में वृद्धि हुआ है। अब रामनगर ग्रिड उपकेंद्र के शीर्ष मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा सकती है तथा लो वोल्टेज की समस्या का निदान भी मिल जाएगा। यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि बघा अनुमंडल में 132/33 KVA ग्रिड उपकेंद्र प्रस्तावित है। पूरा बोलिए। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहती हूँ, यदि वहाँ पर ग्रिड की बहुत आवश्यकता सभी को महसूस हो रही है, बिकॉज रामनगर या मैनाटांड से की दूरी लगभग 30 किलोमीटर या 17 किलोमीटर है, यदि एक ग्रिड का निर्माण हो जाए तरकटियागंज में भी, तो गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति आसानी से मिलेगी। ठीक, धन्यवाद। ऐसा है कि ग्रिड से सीधे बिजली नहीं मिलती है उपभोक्ताओं को, सब स्टेशन से मिलती है। ग्रिड 4-5 सब स्टेशन को मिलाकर एक होता है, उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है। तो मैंने जैसा बताया कि डबल सर्किट से जोड़ भी दिया गया है उस सब स्टेशन को, और प्लस उसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई है, इसलिए अब ग्रिड बनाने का कोई औचित्य नहीं है। 24 घंटे में कितने देर के लिए विद्युत की आपूर्ति हो रही है तत्काल, ये जानकारी हो जाए क्या? 24 घंटे में कितने घंटे की आपूर्ति अभी तत्काल मिल रही है नरकटियागंज सब डिविजन को? दिखवा लेंगे। धन्यवाद। श्री कुमार सर्वजीत नहीं है।
कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, खरीक प्रखंड में 13 पंचायत में केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहां प्रत्येक दिन 30 से 35 प्रसव होता है। वहां पर हमने माननीय मंत्री जी से कहा था कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दीजिए। इन्होंने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में बनाएंगे। केवल मंत्री महोदय से हम ये जानना चाहते हैं कि बगल के 100 मीटर के दूरी पर तेलघी पंचायत, वहां 3 एकड़ में पूरा बिल्डिंग बना हुआ अस्पताल का, डॉक्टर के रहने के लिए, ANM के रहने के लिए बेड भी है, क्या जब तक नहीं बनता है तब तक वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहां पर बनाना चाहते हैं? माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। माननीय सदस्य ने प्रश्न के क्रम में उस बात की चर्चा नहीं की है, यदि चर्चा की होती तो मैं उसका जानकारी लेके आता। अभी जो प्रश्न सदन के सामने है उसमें हमने कहा है कि 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उत्क्रमित करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग ने लिया है और इसको अगले वित्तीय वर्ष में हम बना देंगे। ठीक ठीक है, धन्यवाद। श्री मनोज यादव। श्री मनोज यादव, श्री संदीप सौरभ, श्री संदीप सौरभ, श्रीमती शालिनी मिश्रा। पूछती हूँ महोदय। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग। समय चाहिए। श्री संजय कुमार गुप्ता। श्री संजय कुमार गुप्ता, श्री राजेश कुमार, श्री राजेश कुमार, श्री अरुण शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मंत्री स्वास्थ्य विभाग, उत्तर मुद्रित है। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाह रहा हूं कि इस प्रश्न के जाने के बाद माननीय मंत्री जी के पास वहां से एक रिपोर्ट आई होगी प्रश्न के उत्तर तैयार करने के लिए। मुझे लगता है कि उसके आधार पर माननीय मंत्री जी ने 9/3/2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बासोपट्टी के क्षतिग्रस्त भवन के जांच हेतु जांच दल का गठित कर दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जांच दल, चूंकि जिसमें अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का काम चल रहा है महोदय, और उसमें 2-2 फीट गड्ढा हो गया, धंस गया, पूरा फर्श उसका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, रोगी को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, सरकार के पहल के बाद रोगी की संख्या बढ़ी है, तो रोगी की सुविधा को ध्यान में रखकर क्या माननीय मंत्री जी इस जांच दल में कौन कौन सदस्य है और वो कब तक जांच रिपोर्ट माननीय मंत्री जी को दे देंगे ताकि उस क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण हो सके? और जिन्होंने 2016 में ही बना के हैंड ओवर किया है महोदय 2,80,000 के भवन का, क्या उस पर माननीय मंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? माननीय मंत्री महोदय, मैंने अपने प्रश्न में बताया है कि ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो बासोपट्टी में है उसको बनाने का काम भवन निर्माण विभाग के द्वारा किया गया था और इसीलिए हमने भवन निर्माण विभाग को पत्र लिख के ये अनुरोध किया है कि जो क्षतिग्रस्त भवन है उसका जांच कराया जाए और 6 महीने के अंदर उसको ठीक कराने के संबंध में प्राकलन भी उपलब्ध कराया जाए। उस संबंध में हमारे विभाग के संयुक्त सचिव ने, भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव को यह अनुरोध पत्र भेजा है। हमारी मंशा ये है कि भवन निर्माण विभाग ने उस समय जरूर उस भवन को बनाया था लेकिन अभी 6 महीने के अंदर उस भवन को हम ठीक कर दें और वहां स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक से संचालित हो जाए, इस हेतु अनुरोध किया गया है और जो राशि की आवश्यकता पड़ेगी उसकी मरम्मति के लिए वह राशि भी स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध कराएगा। महोदय, इस प्रश्न में के ही 2 पार्ट है महोदय। एक पार्ट तो है कि आप उसकी मरम्मति करवा लेंगे लेकिन प्रश्न में है कि आप जो ये कराने वाली एजेंसी है, निर्माण कराने वाली जो एजेंसी है, जिन्होंने इतना बड़ा घपला किया है इस भवन के निर्माण में जो 2-3 साल के अंदर ही क्षतिग्रस्त हो गया, उस पर महोदय क्या कार्रवाई करना चाहते हैं मंत्री जी? क्या उसको बचाना चाहते हैं? महोदय, मैंने कहा कि यह भवन निर्माण विभाग के द्वारा चूंकि निर्मित था, भवन निर्माण विभाग के संज्ञान में ला दिया गया है और भवन निर्माण विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। महोदय, जिस विभाग ने बनाया है
उसी को हम जांच दे रहे हैं, तो कैसा जांच होगा महोदय? आप माननीय मंत्री जी अलग से अपने विभाग के द्वारा भवन विभाग के मिला के जांच करवाइए महोदय। नहीं, इसकी जांच करवा दें। जांच के पत्र ऑलरेडी हमारे संयुक्त सचिव ने लिखा एजेंसी, उनकी इच्छा है कि आपके विभाग के लोग भी रहें। तो हम कैसे रह सकते, एजेंसी दूसरी है, उसके जो वरीय पदाधिकारी होंगे, बनाया तो किसी ठेकेदार ने होगा, तो जिसने उसको बनवाया होगा उसकी जांच वरीय अधिकारी करेंगे, और मुख्यालय के स्तर के अधिकारी को संयुक्त सचिव को हमने आग्रह किया। ठीक है, अब हो गया, संयुक्त सचिव को ये लोग नहीं जाएंगे तो कमिश्नर है वहाँ, इनके विभाग के संयुक्त सचिव के देख रेख में जांच होगी। माननीय मंत्री ने अभी कहे कि संयुक्त सचिव देख रहे हैं। अच्छा ठीक, श्री सुनील कुमार मणि, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय अस्वीकारात्मक है, वस्तु स्थिति है कि पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलाही में एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूजा कुमारी, एएनएम श्रीमती रत्नमाला एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। पदस्थापित चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पूजा कुमारी 3 दिन पहले ज्वाइन की है और वो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, सप्ताह में कल 1 दिन गई थी और वहां पर एक भी नर्स नहीं है, तो क्या ऐसे स्थिति में सुदूर देहात का हॉस्पिटल चलेगा? मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि स्थायी रूप से वहां पर डॉक्टर और नर्स डॉक्टर की प्रतिनिधि कब करेंगे, इसका समय सीमा बता दें, कृपा करेंगे मंत्री महोदय। नहीं, जैसा माननीय सदस्य ने माना है कि डॉक्टर पूजा कुमारी वहां सेवा दे रही हैं, तो वो अनवरत सेवा देती रहेंगी वहां। ठीक, माननीय मंत्री जी, एक भी नर्स वहां पर नहीं है। हमने महोदय बताया कि वहां पे श्रीमती रत्नमाला जी पदस्थापित हैं। अब माननीय सदस्य को यदि ऐसी जानकारी है कि वो नहीं है तो मैं उसको दिखवा लूं। ठीक, मोहम्मद अफाक आलम, मोहम्मद अफाक आलम, श्री अनिल कुमार, पूछता हूँ, पूरक पूछ लीजिए। महोदय, माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि अधिसूचना प्रारूप माननीय उच्च न्यायालय की विधिविधता एवं सहमति हेतु महानिबंधक उच्च न्यायालय पटना को भेजा चुकी है। महोदय, 26 वर्ष पूर्व अनुमंडल का गठन हुआ था टिकारी में, तो कम से कम माननीय न्यायालय के उच्च न्यायालय के महानिबंधक को रिमाइंडर तो भेजने का कष्ट करें। माननीय मंत्री विधि विभाग। महोदय, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि ये माननीय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ काम है और माननीय सदस्य के आग्रह है, तो इसे पुनः एक स्मार पत्र भेजवा दूंगा। ठीक, मोहम्मद अफाक आलम, मोहम्मद अफाक आलम, श्रीमती संगीता कुमारी, श्रीमती संगीता कुमारी, श्री विजय शंकर दुबे, नहीं, श्री अनिल कुमार। माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, खंड एक आंशिक स्वीकारात्मक है, वस्तु स्थिति यह है कि गया जिला के अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी में डॉक्टर जयप्रकाश सिंह शल्य चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केंद्र में एनेस्थेसिया का पद रिक्त है।
खंड दो अस्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन का पद सृजित नहीं किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का कार्य चिकित्सक द्वारा किया जाता है। खंड तीन, वर्तमान में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के 3706 एवं सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 2632 अर्थात कुल 6338 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। आयोग से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत आवश्यकता एवं उपलब्धता के अनुसार चिकित्सा पदाधिकारियों की पदस्थापना की जा सकेगी। महोदय, माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि शल्य चिकित्सक तो वहाँ है, लेकिन एनेस्थीसिया डॉक्टर के अभाव में ऑपरेशन वहाँ नहीं हो रहा है, जिसके कारण 20 किलोमीटर दूर 30 किलोमीटर दूर टकारी से गया जाना पड़ता है। इसलिए रोगियों के हित में अगर आप एनेस्थीसिया डॉक्टर का पदस्थापन कर देते हैं तो बहुत बड़ी सुविधा वहाँ टकारी वासियों को हो जाएगी। चुका हॉस्पिटल टकारी में 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उद्घाटन किए थे और उस हॉस्पिटल का बहुत ही चारों तरफ से मरीज वहां पर आते हैं हजारों की संख्या में, इसलिए कि एनेस्थीसिया डॉक्टर कम से कम वहां उपलब्ध करा दिया जाए। आप प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुए, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार होने सदन पटल पर रख दिए जाएं, कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 13 मार्च 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्रीमती रेखा देवी, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, श्री सुधाकर सिंह, श्री विजय कुमार एवं श्री मुकेश कुमार यादव आज सदन में वित्तीय वर्ष 2012-21-22 के आय व्यय में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री रणविजय साहू, श्री संजय सरावगी। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा शहर के कई मोहल्लों में एवं आसपास के गांव में भी बंदरों ने काफी उत्पात मचा रखा है, जिसके कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अविलंब वन विभाग इन बंदरों से लोगों को निजात दिलावे। अध्यक्ष महोदय, वन मंत्री बैठे हुए, एक टीम वहां भेज दे दरभंगा शहर में, रोज 15-20 लोगों को बंदर काट लेता है। अध्यक्ष महोदय, भारी समस्या होती है, सूचना ग्रहण कर ले वन मंत्री जी, इसको गंभीरता से लेके एक टीम भेज दे वहां, जो बंदरों को जो है पकड़ कर जो है कहीं रखे। ठीक। श्री आप बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। श्री महबूब आलम, नियमन कार्य स्थगन अमान्य किया गया है। बताइए, सदन को बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है और विपक्ष ने, हमारे साथियों ने क्यों कार्य स्थगन लाया है, कम से कम अपनी बात को तो रख लेने दीजिए। ठीक है, मान्य करना, वो आसन सदस्य, लेकिन श्रीमती रेखा देवी, हम बोल रहे हैं महोदय। नहीं, रेखा देवी तो है ही नहीं, हम बोल रहे हैं, उस पर बोल रहे हैं महोदय। आपका नाम भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय आ गए। अच्छा, पढ़िए, कार्य स्थगन पढ़िए। हम अपनी बात को हम रख रहे हैं, इनको रखने दीजिए, पढ़ दीजिए। चलिए, महोदय, नेता प्रतिपक्ष बोलने दीजिए संक्षिप्त में। ये ऐसे अब नेता स्थगन प्रस्ताव जिन माननीय सदस्यों के द्वारा लाया जाता है महोदय, जिनके हस्ताक्षर होते हैं महोदय, उन्हीं को पढ़ना चाहिए। आसन चाहे तो हमसे बुलवा सकता है महोदय, नहीं है महोदय, आसन चाहे तो हमसे बुलवा सकता है महोदय। अध्यक्ष महोदय,
नई नई परंपराओं की शुरुआत हो रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष को पूरा सम्मान और समय दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पूरा समय और स्थान, लेकिन नियम के हिसाब से ही नियम, जिनका कार्य स्थगन है। देखिए, आपने अभी मांग किया कि पढ़ लिया जाए, कम से कम जानकारी ले लिया जाए। हमने दिया श्रीमती बीना देवी, पढ़ लें। श्रीमती रेखा देवी, रेखा देवी महोदय, हम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के आप नियम पढ़ रही हैं, आप लोग सुनिएगा ना। 97 के अंतर्गत आवश्यक लोक महत्व के निम्नलिखित निश्चित विषय पर विवर्ष हेतु कार्य स्थगन का प्रस्ताव देते हैं। बिहार राज्य में आधिकारिक और आधिकारिक तौर पर पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन सरकार की विफलता के कारण घर घर शराब पूर्ण रूपे पहुंच रहा है। जब सरकार के संरक्षण में ही शराब की तस्करी करवा कर घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है, महोदय, इसमें सरकार के मंत्री के अपने भाई सल्लिपित होने के कारण प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने के जनता में व्यापक जनाक्रोश है, महोदय। राज्य में गिरते विधि व्यवस्था का कारण सत्ता संरक्षित शराब के अवैध व्यापार भी सरकार के गलत नीति के कारण लाखों गरीब परिवार कानूनी शिकंजे में फंसे हुए हैं, महोदय। जबकि पूंजीपति लोग सत्ता के संरक्षण में अवैध व्यापार कर रहा है, जिसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। इसके एक्के दुक्के कारोबारी को ही गिरफ्तार किया गया है। इससे राज्य की जनता में भय एवं आक्रोश व्याप्त है, महोदय। राज्य में हो रहे सत्ता संरक्षित अवैध शराब के कारोबार पर कैसे नियंत्रण हो, इस अति लोक महत्व के विषय पर दिनांक 13/3/2021 को कार्य स्थगित कर इसी विषय पर विमर्श हो, महोदय। चलिए अध्यक्ष महोदय, अब पढ़ लिए आप बोले बात को मान लिए। अध्यक्ष महोदय, इसको हमारे पास महोदय एविडेंस है, महोदय, एक बिहार सरकार के मंत्री के खिलाफ एविडेंस है, और लोग चाहते हैं कि हम एविडेंस ना रखे सदन के पटल पे। महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पे कार्य स्थगन प्रस्ताव इसलिए लाया गया, महोदय, ये गंभीर मामला है, इसको सुनना ही होगा सदन को, ये बात को रखना ही पड़ेगा, सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, यहाँ पर लोग मारे जा रहे, गरीब दलित परिवार को जेल में ठूसा जा रहा, और सरकार संरक्षित मंत्री जो है वो शराब की बिक्री करवा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनने का समय का है, ये तो कार्रवाई का समय है। अब आसन की बात जाना होगा, सुनिएगा तो कैसे होगा। अध्यक्ष, पूरी बात को तो सुना जाए, एविडेंस या मेरी बात को अगर रखने का मौका नहीं मिला तो हम यही समझेंगे कि नहीं चाहा जा रहा कि सबूत को रखा जाए सदन के पटल। सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष, बैठ जाइए एक मिनट नेता प्रतिपक्ष, अरे अब खड़े हैं नेता प्रतिपक्ष तो आप अलगे खड़े हो गए, ऐसे चलेगा? आसन की बात को आपको बैठ के सुनिए। अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री जी इसके संदर्भ में ये विषय पहले भी उठा, इसके संदर्भ में आप लोगों ने मांग किया कि दलीय नेताओं की बैठक बुलाई जाए, सोमवार को 10 बजे दलीय नेताओं की बैठक बुलाई गई है, और उस आप बीच में क्यों बोले? जब नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, आसन बोल रहे हैं तो सुनिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए। जब आप बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष खड़ा है, मैं बैठ जाएंगे सदन की भी तो कोई आसन की भी तो कोई मर्यादा है ना। अच्छा,
एक मिनट बैठ जाइए सभी लोग, नेता प्रतिपक्ष एक मिनट बैठ जाइए। अब सुन लीजिए ना, ये देखिए, ये सदन की खूबसूरती है कि आसन की सम्मान के प्रति सभी सजग हैं, और ये अच्छी बात है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। आसन सभी की बात को सुनेंगे, नियम के अनुसार समय भी देंगे, आप लोगों की ही बात को लेकर गंभीरता को देखते हुए कि प्रश्नोत्तर काल चले, सदन चले, दलीय नेता की मांग आपने किया, हमने दलीय नेताओं की बैठक रखे हैं, उस बैठक में सभी दल के नेता रहेंगे, वो वहां पर हम लोग सारे विषय पर बातचीत करेंगे, आप प्रश्नकाल को आगे बढ़ने दीजिए ताकि सदन के अंदर सदस्यों की और जनहित की विषय पर विचार हो। आपकी बात को हम लोगों ने सुना, आसन के प्रति हम लोगों का सम्मान है, लेकिन ये बेहद जरूरी है, अगर हमारे पास कोई ठोस एविडेंस है तो उसको सदन के पटल पे रखा जाए। ये बिहार सरकार के मंत्री के ऊपर है महोदय आरोप, इनके पिताजी का नाम अर्जुन राय है महोदय, और इन्होंने एक मीडिया के बयान में इन्होंने ये जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, कोई तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सदन नहीं चलेगा, ये कोई तरीका नहीं है। जो विषय आज के बिजनेस में तय है उस पर बात होनी चाहिए सदन में। वो आसन तय करेगा सदन के महत्वपूर्ण बिजनेस को रोक के कुछ ऐसी बातें जो आप आसन के द्वारा बार बार नियमन देने के बावजूद भी इस तरह की अगर बातें हो रही, सदन सभी सदस्यों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए सदन नहीं है। आपने दो मिनट कहा, 12:15 हम अपने बात को रख करके हम बैठ जाएंगे महोदय। दो मिनट आपने जिक्र कहा, बोलिए। मंत्री जी के पिताजी का नाम है अर्जुन राय, उन्होंने ये मीडिया में बयान दिया है। तो फिर एक चीज बता दीजिए नेता प्रतिपक्ष कि सोमवार को दलीय नेताओं की बैठक नहीं करें जब विषय आप एक मिनट किसी माननीय मंत्री के संबंध में चलेगा, इस तरह के सत्र में कोई विषय लाना उनके पिताजी के बारे में, और सब आसन को नियमन देना चाहिए। कार्यस्थगन प्रस्ताव किसी के भी परिवार के लोगों के बारे में नहीं बोला जा सकता है महोदय, उचित नहीं है। ये गलत परंपरा हो रही है इस सदन में। बैठ जाइए सभी लोग। आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा, आप आसन का सम्मान नहीं कीजिएगा महोदय। दो मिनट का समय दिया गया, नेता प्रतिपक्ष व्यक्तिगत नाम नहीं, लोकहित से जुड़े विषय है उस पर बात करनी चाहिए, नहीं लेंगे। देखिए, ऐसे भी पहले भी कहा गया है कि किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे। कोई महोदय, ये कोई विषय आज लिस्ट ही नहीं है, ये शून्य काल चल रहा है, सारे सदस्य आसन को गाइड किया जा रहा है, और किसी के बारे में यहाँ बोला जाएगा, क्या हो रहा है, नहीं चलेगा इस तरह, क्या हो रहा है। बैठ जाइए नेता, क्या मजा है, बैठ जाइए नहीं चलेगा तो सदन को नहीं। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं, माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाएं, ऐसे नहीं सुना जाएगा। सभी दल आप अपने स्थान पर जाएं पहले। आप लोग अपने स्थान पर नहीं जाएंगे, एक चीज बता देता, सुनिए
आप सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। जाइए।